हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के 6 नंबर के वीडियो में। इसके पहले अपने 5 वीडियो बनाए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ये जो आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे मैंने उनके लिंक दिए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप वो देखिए, तो आपको एकदम सिक्वेंस में ही समझ में आएगा जो अपन टॉपिक करते जा रहे हैं। तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन लिस्ट, इसको अपन समझने वाले हैं। तो क्या होता है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। जो मल्टीपल आइटम है एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है, तो क्या बोल रहा है, लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन ए सिंगल वेरिएबल। तो अभी तक अपन ने जितने भी वेरिएबल समझे, अपन ने क्या देखा था, एक मेरा कोई नंबर स्टोर करना है, तो अपन ने किस तरह से, इस तरह से नम अंडरस्कोर वन एक वेरिएबल डिफाइन किया था, इसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन की थी। या मैंने एक स्ट्रिंग सेव करना है तो मैंने किया था str अंडरस्कोर वन इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग सेव की थी, मैंने बोला था कि राम, इस तरह से। लेकिन अभी क्या है, मल्टीपल क्या बोल रहा है कि स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसके लिए क्या यूज होती है, लिस्ट। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जो लिस्ट अपन डिफाइन करेंगे उसको हमेशा इस तरह के ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे, तो इस तरह का ये बोलेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, पहले अपन एक एग्जांपल लेके समझेंगे, तो एकदम आसान है, आपको मालूम होगा सब लोगों को, यदि आप मार्केट जाते हैं तो आपकी मदर क्या बोलती है कि भाई एक लिस्ट बना के ले जाओ, नहीं तो कुछ आइटम भूल जाओगे। यदि आप मार्केट जाते हैं रैंडमली माँ बोल देगी कि आपको फ्रूट लाना है, एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना, तो पॉसिबिलिटी है आप भूल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करती है माँ, एक लिस्ट बना के देती, वो बोलेगी कि एक काम करो, अच्छा फ्रूट के लिए मैं एक लिस्ट बना देती हूँ। तो जो पाइथन है इसमें हमेशा स्पेस नहीं डालते अपन, अंडर स्कोर के साथ डिफाइन करते हैं इसको ऐड करने के लिए। क्या बोलेगी, पहले नंबर पे बोलेगी कि भाई एप्पल ले आना, सेकंड नंबर पे कि ऑरेंज ले आना, थर्ड नंबर पे कि मैंगो ले आना, ये लिस्ट बनती है। तो यही सेम लिस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से डिफाइन करते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे माई लिस्ट, और ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, एंड यहाँ पे जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है, जनरली अपन यहाँ पे 1 2 3 लिखते हैं, लेकिन जो पाइथन रहता है, कोई भी प्रोग्राम रहती है, जो इंडेक्स स्टार्ट होती है वो 0 से, 0 1 2, ठीक है। ये तो आपकी सिंपल लिस्ट बन गई। तो इसको कैसे यूज करेंगे, जब अपन एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर होगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज करने वाले हैं। तो किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे मेरे पास 3 आइटम है, तो इनको मेरे को लिस्ट में डिफाइन करना, तो माई अंडरस्कोर लिस्ट ब्रैकेट के अंदर एप्पल ऑरेंज मैंगो, ये तो हो गई मेरी लिस्ट बनाने की, कि कैसे लिस्ट बनाते हैं। अभी आप मार्केट पहुंचते हैं, एनमा का अगेन कॉल आता है कि नहीं, एक काम करो, मेरे को एक आइटम ये मैंगो नहीं लाना, क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को हटा भी सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे मैंगो, तो आपकी लिस्ट में क्या रहेंगे, जो नई लिस्ट रहेगी माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर क्या बचा आपके पास, एक तो बचा एप्पल एंड ऑरेंज, ठीक है। तो आप जो लिस्ट की प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पे जो अपना नोटबुक में करते हैं, वो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप आपकी जो लिस्ट रहेगी उसमें से आप आइटम हटा भी सकते हैं। यदि एक और आता है कि नहीं मैंगो नहीं लाना, एक नया नया बोलती है कि बनाना ले आना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि आप अपनी लिस्ट में बनाना ऐड कर लो। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी क्या बन जाएगी, माई लिस्ट, नया लिस्ट बन जाएगा जहाँ पे कि एप्पल रहेगा, ऑरेंज रहेगा, एंड एक नया ऐड हो गया बनाना, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या रहेगी, इस पोजीशन को मेरे को निकालना, तो ये 0 इंडेक्स पर रहेगा, ये 1 पर रहेगा, ये 2 पर रहेगा। तो एकदम आसान है इस लिस्ट को याद रखना। इसकी जो मल्टीपल जो कलेक्शन ऑफ डेटा रहता है स्टोर करने के लिए, और भी चीज़ें रहती है। एक तो क्या हो गया, ये मैं बोल रहा हूँ लिस्ट की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा एक टपल रहती है, एक सेट रहता है, एक डिक्शनरी रहता है, वो अपने आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे, एंड चारों में क्या डिफरेंस है अपन वो भी देखेंगे। फिलहाल अपन क्या बात कर रहे हैं, लिस्ट। तो इस तरह से आप जब भी अपन यूज करेंगे, जहाँ पे कि आपको स्टोर करना रहेगा मल्टीपल आइटम एक वेरिएबल में, तो अपन इस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे माई लिस्ट, एंड उसके अंदर जो मल्टीपल आइटम है, इस तरह से ये बिग ब्रैकेट जो रहता है उसके अंदर एंड कॉमा के सेपरेटेड करके आप स्टोर कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 0 1 2 इस तरह से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो एकदम सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब अपन अपना रिप्लेट ओपन करते हैं एंड इसका समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए रिप्लेट ओपन करते हैं। तो अपने को मालूम ही क्या करते हैं, replet.com आपका अकाउंट से लॉग इन करेंगे एंड पाइथन पे आएंगे एंड क्रिएट करेंगे। आज क्या है अपना वीडियो नंबर 6, तो नाम डाल देंगे वीडियो
सिक्स एज यूजुअल जैसे ही अपना प्रोग्राम खत्म होगा मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको फॉक कर सकते हैं। ये देखिए अपना एडिटर ओपन हो गया है। तो अपन ने अभी समझा क्या है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दिया, ए लिस्ट इज कलेक्शन ऑफ आइटम इन पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में रहता है। यू कैन मेक लिस्ट इंक्लूडिंग द लेटर, कोई से भी लेटर, अल्फाबेट या कोई भी नंबर 0 से 9, या आपके फैमिली मेंबर, या इवन आपकी पूरी बुक की बुक भी आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत पावरफुल है, काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरह से डिफाइन किया था, अपन ने एक लिस्ट बनाई थी फ्रूट अंडर स्कोर आइटम, एंड उसके अंदर अपन ने क्या 3 फ्रूट सेव किए थे, कौन कौन से, पहला नंबर था अपना एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगो। तो ये हो गई आपकी लिस्ट। यदि आपको इसको प्रिंट करना है तो क्या था, सिंपल प्रिंट यहाँ पे ब्रैकेट में ये क्या है, इस तरह से क्या है, एक वेरिएबल है जहाँ पे कि मैं मल्टीपल आइटम, तो उसको सेम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एंड रन। तो देखिए आपकी जो भी है ये पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल। यदि आपको अगेन फिर से ऐड करना है, यही सेम लिस्ट है सेकंड नंबर पे, आपने जैसे अपन ने बोला था कि एक ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या ऐड किया था अपन ने, बनाना, तो बनाना एंड देन अगेन प्रिंट रन। ये देखिए जो पहले लिस्ट था, पहले टाइम पे अपन ने क्या प्रिंट किया, ये 3 आइटम थे, उसके बाद अपन ने क्या बनाना ऐड कर दिया, उसको प्रिंट किया बनाना। तो ये तो हो गई आपकी लिस्ट और उसको स्टोर कैसे करते हैं वेरिएबल में। तो ये तो मेरी लिस्ट थी, यदि इसको प्रिंट करना है एंड यदि मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग के साथ कंकेट करना है, तो क्या था अपने पास फंक्शन इसको कन्वर्ट करने के, इसका डेटा टाइप अभी क्या रहेगा, इसका डेटा टाइप लिस्ट रहेगा, लेकिन अपन जब भी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो इसको कन्वर्ट करना रहता है, जैसे अपन ने इंट को किया था। तो अपन ने मैंने लिखा है कंप्लीट लिस्ट स्ट्रिंग एंड फ्रूट आइटम, इसको रन करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कंप्लीट लिस्ट, इसके साथ जो भी आइटम है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये तो हो गई मेरी कंप्लीट लिस्ट, लेकिन अभी मुझे इस, क्योंकि जब प्रोग्रामिंग रहेगी तो मैं अधिकतर मेरा क्या काम रहेगा कि मैं पर्टिकुलर आइटम को सर्च करूँ, लूप में लेके जाऊँ फॉर और व्हाइल में, पर्टिकुलर आइटम को प्रिंट करूँ, तो उसके लिए क्या रहता है एक्सेस एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो किस तरह से अपन करते हैं, अपन ने समझा है इंडेक्स क्या रहेगा, जो पहले नंबर का रहेगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, 2 इसी सिक्वेंस में जाएगा। मुझे इसको प्रिंट करना है पर्टिकुलर एक आइटम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा प्रिंट एंड कौन सी लिस्ट में से, इस लिस्ट में से आइटम करना है, मतलब मेरे को यहाँ पे ब्रैकेट लगेंगे, ब्रैकेट के अंदर कौन सा इंडेक्स नंबर पे करना है, 0 नंबर है मतलब मेरा 0 नंबर का प्रिंट हो जाएगा, तो 0 नंबर पे क्या था मेरा एप्पल। यदि मुझे क्या सेकंड नंबर का करना है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर फ्रूट आइटम, सेकंड नंबर मतलब ऑरेंज, तो क्या है 1, 2, तो हमेशा इसका -1 करते जाइए, तो मेरा ये सेकंड नंबर है मतलब फर्स्ट पोजीशन है उसका इंडेक्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 नंबर पर करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा ऑरेंज। अभी मुझे मैंगो नहीं करना है, सीधा बनाना करना है, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे प्रिंट इंडेक्स, यदि 2 डालूंगा तो मेरा मैंगो आएगा, लेकिन मुझे क्या करना है 3 करना है, जैसे ही डालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा एप्पल ऑरेंज बनाना। तो ये तो हो गए आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट रहेगी, उसमें से कोई भी इंडेक्स को कैसे, यदि आपके पास लूप रहेंगे तो आप 0, 1, 2, 3 कंटिन्यू करते जाएंगे एंड इनको एक्सेस करते जाएंगे, इन कंपेयर करेंगे, वो सब अपन प्रोग्रामिंग में देखेंगे। तो ये तो हो गए आपको कि एक्सेस कैसे करते हैं अपने लिस्ट में से। तो इस तरह से मैं सीक्वेंस में लिखते जाता हूँ। अब अपन देखते हैं कि जो लिस्ट एक्सेस करते हैं इसमें मेथड वगैरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो अपन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको अपन कमेंट कर देते हैं ऊपर वाले को। अभी मेरे पास देखिए सेम फ्रूट लिस्ट है एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एप्पल इस तरह से लिखा है, मैंगो में एम स्मॉल में लिखा है। यदि आपको इसको एक्सेस करना है कि मेरा प्रिंट कर रहा हूँ मैं फ्रूट 0 पोजीशन पे एप्पल, लेकिन मुझे एप्पल क्या चाहिए टाइटल के साथ चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे अपन ने मेथड देखी है, यहाँ पे आप देखेंगे ये देखिए टाइटल आ जाएगा आपका एंड यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट के साथ। तो ये क्या थी मेरी, यहाँ पे जब भी मेथड ऐड करते हैं तो इसको डॉट करके इस तरह से, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ लेकिन इसको प्रिंट में करना चाह रहा हूँ इसको टाइटल फॉर्म में, क्या रहता है मतलब फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल आना चाहिए एप्पल, सेकेंड में भी वैसे ही करेंगे, थर्ड में भी। तो अभी देखेंगे सेकेंड ऑलरेडी है तो इसको कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, थर्ड नंबर पे रहा अगेन क्या है मैंगो,
स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, एम कैपिटल में एंड मैंगो। ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए आपकी लिस्ट में यहाँ पे क्या है, एप्पल देखिए ये स्मॉल में है, लेकिन जब आपने प्रिंट किया तो इसको ये कैपिटल में कर दिया। यहाँ पर भी मैंगो में एम अपन ने यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किया है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं थर्ड नंबर को, तो यहाँ पे अपन टू नंबर को प्रिंट कर लेते हैं। रन, ये देखिए एम कैपिटल। तो आपके जो भी मेथड जो फंक्शन रहेंगे वो आप सारे यूज़ कर सकते हैं लिस्ट के साथ। तो अपन ने ये मेथड यूज़ करी है जहाँ पे अपन इसको फर्स्ट लेटर अपन कैप्स में बना रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इसको नोट करके रखिए कि इंडेक्स जो पोजीशन रहती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, स्टार्ट एट जीरो नॉट वन। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तो हो गया मेरे सिंपल लिस्ट आपको एक्सेस करने का। यदि मेरे को लास्ट जो लिस्ट है उसका आइटम मुझे करना है, तो उसके लिए क्या रहता है, आप सीधा प्रिंट लिखिए, प्रिंट उसका पोजीशन क्या रहेगा। यदि ये तो मुझे मालूम है क्योंकि ओनली 4 और 5 है। यदि 100 ऑफ लिस्ट रहेगी और आपको कोई बोलेगा कि आपको लास्ट आइटम निकालना है, तो उसके लिए सिंपल रहता है आपका जो लिस्ट रहेगा, रूट ब्रैकेट के अंदर आप -1, मतलब ये क्या करेगा आपका जो लास्ट आइटम है उसको प्रिंट कर देगा। तो अपने केस में क्या है, बनाना है एंड मैं 0 प्रिंट कर रहा हूँ, तो एप्पल रन करूँगा। ये देखिए एप्पल एंड बनाना। इसके अलावा कोई दूसरा भी रहेगा, जो भी लास्ट का आइटम रहेगा उसको प्रिंट करने के लिए क्या रहता है मेरा, -1। तो इस तरह की अपन प्रॉपर्टी देखते जाते हैं, आप इनको नोट करते जाइए, ठीक है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, अपने जो लिस्ट बनाई थी अपन आइटम ऐड कर रहे थे कि मदर का फोन आया था कि एक आइटम ऐड कर लो या एक डिलीट कर लो, तो अपन वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक लिस्ट ले ली है जो सेम ऊपर ली थी, उसको यहाँ पे ले ही ली। अभी इसमें मुझे पहले नंबर पे मैं चेंजिंग के लिए करता हूँ, तो चेंज करना है मुझे, अभी मुझे करना है चेंज के लिए। चेंज में क्या करना है, मुझे ये आइटम है अभी मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट रिट आइटम क्या आएगा, ए वाली लिस्ट आएगी, एप्पल ऑरेंज मैंगो। यदि मुझे इसको चेंज करना है कि एप्पल की जगह एप्पल को कट करके मुझे चेरी डालना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, रिप्लेस के लिए अपना फंक्शन क्या रहता है यहाँ पे, आप क्या असाइन कर देंगे कि मुझे ये पोजीशन, कौन से नंबर की पोजीशन, 0 पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फ्रूट आइटम कौन सी पोजीशन, 0 पोजीशन। यहाँ पे मुझे एप्पल नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, एप्पल की जगह मुझे, कि एप्पल ऑलरेडी है मुझे उसकी जगह चेरी ले जाना है, तो इसकी जगह मैं चेरी डाल दूंगा और इसको अब प्रिंट करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ कि मेरी जो लिस्ट थी उसमें मैंने कट करके एक दूसरा डाल दिया, उसको रिप्लेस कर दिया किसी और से। रन करके देख लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ था, जब अपन ने पहले जो लिस्ट थी एप्पल ऑरेंज मैंगो था, लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया, 0 पोजीशन पे मैंने चेरी डाल दिया है एंड यहाँ पे क्या हो गया, चेरी ऑरेंज मैंगो। यदि नहीं, मुझे लगता है कि नहीं मुझे एप्पल को नहीं ऑरेंज को करना था या मैंगो को करना था, यहाँ पे 2 नंबर डाल दूंगा मैं, मतलब 0 1 2, मतलब मैंगो। रन करूंगा तो यहाँ पे क्या देखिए, एप्पल का एप्पल है, ऑरेंज का ऑरेंज, लेकिन जो थर्ड नंबर पे मतलब सेकंड पोजीशन चेरी रिप्लेस हो गया। तो ये क्या होता है मेरा, चेंज करना। अभी मैंने अपन ने देखा था एक ऐड करने का, कि भाई आता है एक आइटम ऐड कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडिंग। अपन क्या करते जाते हैं, इनको कमेंट करते जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या है, मेरा लिस्ट है उस पर मुझे ऐड करना है। एडिंग के लिए क्या रहता है कि मेरा ये जो मैंने प्रिंट किया है, अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या क्या है, क्या है मेरे पास अभी मेरी लिस्ट में, एप्पल ऑरेंज मैंगो। अभी मुझे फ्रूट आइटम में क्या करना है, चेरी ऐड करना है। तो फ्रूट आइटम डॉट क्या रहता है, ऐड करने के लिए होता है अपेंड। तो जैसे ही आप अपेंड करेंगे आपका आइटम लास्ट में ऐड हो जाएगा। अब देखिए जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है अपेंड ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, अपेंड एंड ब्रैकेट में जो भी आइटम अपने को ऐड करना है, क्या करने वाले थे अपन, चेरी, एंड अगेन प्रिंट कर लेंगे इसको, तो क्या करेंगे अपन, अपना फ्रूट आइटम रन। देखिए अभी क्या था, जैसे मैंने आइटम लिए प्रिंट क्या किया, एप्पल ऑरेंज मैंगो, एंड मैंने उसके बाद क्या किया, चेरी को ऐड कर दिया, मतलब अपेंड कर दिया एंड उसको प्रिंट किया। तो ये क्या हो गया मेरा, चेंज हो गया, एडिंग हो गया। अभी रिमूविंग, कि ये आइटम है, कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास मैंगो ऑलरेडी, उसको हटा दो या चेरी को हटा दो, तो उसके लिए क्या है मेरा, अब देखते हैं अपन रिमूविंग। तो मुझे अब क्या करना है, रिमूव करना है, मतलब क्या करना है मुझे, डेल करना है, डिलीट करना है। तो अपने को क्या करना है, अभी रिमूव करना है। तो डिलीट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं,
तो सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं रिमूविंग एन आइटम काय के द्वारा डेल स्टेटमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले अपन ने ये किया है, इसको प्रिंट करते हैं तो अपना क्या होता है, मेरा ये लिस्ट प्रिंट हो जाती है। अभी मुझे क्या करना है, डिलीट करना है एक आइटम। तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेल, यहाँ पर लिखेंगे आपकी लिस्ट एंड कौन से नंबर का आइटम डिलीट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वन पोजीशन, तो वन पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 011 पे क्या है, ऑरेंज है, मेरा ऑरेंज डिलीट होना चाहिए। इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट फ्रूट आइटम, रन करके देखते हैं। देखिए अपना क्या था, अपन ने इसको प्रिंट किया तो क्या एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना था, अभी मैंने क्या कर दिया, डिलीट किया। तो एक स्टेटमेंट लिखा मैंने डेल, अपनी लिस्ट लिया, लिस्ट में से पोजीशन बताई मैंने कि मेरे को कौन सा फर्स्ट पोजीशन, तो क्या था मेरा 01, तो ऑरेंज मुझे डिलीट करना था तो रिमेनिंग यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिए। मुझे फर्स्ट पोजीशन नहीं करनी है, मुझे करना है 0 पोजीशन, क्या है एप्पल है, तो मुझे एप्पल डिलीट हो जाना चाहिए इससे। रन करेंगे, ये देखिए एप्पल डिलीट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपको कि आपके पास एक लिस्ट है वहाँ से रिमूव करना है। आपके पास ऐसा लूप लगाएंगे आप फ्यूचर में, तो आप एक एक आइटम को यूज़ करते जाएंगे, उसको डिलीट करते जाएंगे। तो इस तरह से आप डेल यूज़ कर सकते हैं, ये तो हो गया डेल। एक दूसरा होता है पॉप मेथड, दूसरा अपन लिखेंगे कि रिमूविंग एन आइटम यूजिंग पॉप मेथड्स है। पॉप, तो पॉप से मीनिंग ही समझ में आ रहा है क्या होता है कि पॉप मतलब मैं पिकअप कर लूंगा कोई आइटम, उसमें से चूज करके उसको डिलीट कर दूंगा। इसको ट्राई करते हैं, तो अपन इसको कमेंट कर देते हैं एंड अपन प्रिंट करते हैं अपना रूट एंड लिस्ट एंड पॉप के लिए क्या रहेगा। अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ये वाली लिस्ट पूरी प्रिंट हो गई। अभी इसमें मैं पॉप करता हूं, तो पॉप के लिए क्या है, तो मैं यहां पे क्या स्टेटमेंट आएगा मेरा, ये जो मेरी लिस्ट रहेगी यहां से एंड डॉट पॉप एंड ब्रैकेट, क्योंकि ये मेरा क्या है मेथड है, तो मैं पॉप कर रहा हूं। तो अभी देखिए पॉप कर रहा हूं मतलब एक आइटम यहां से निकल जाएगा, तो उसको क्या करता हूं मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। तो मैं बोल रहा हूं रूट अंडरस्कोर पॉप इस वेरिएबल में एंड अपन इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो अपन क्या जो फ्रूट आइटम है वो भी प्रिंट कराते हैं एंड ये जो फ्रूट पॉप किया है उसको भी प्रिंट कराते हैं। रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए अभी क्या किया, मेरे पास एक लिस्ट थी, मैंने सारे प्रिंट किए, तो एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना था। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक फ्रूट उसी लिस्ट में से पॉप किया है, तो क्या होना चाहिए, मेरा जो लास्ट का आइटम रहता है उसको मैंने हटा दिया है, उसको पॉप कर दिया है। तो ये तो मेरा हो गया सिंपल कि मेरे को एक कोई लास्ट का आइटम है उसको मेरे को डिलीट करना है। लेकिन अभी देखिए अपन क्या कर रहे हैं कि मेरा ये वाला डिलीट होते जा रहा है। यदि आपको बीच का डिलीट करना रहेगा पॉप मेथड से, तो उसके लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी अपन इसको कमेंट कर देते हैं एंड ये वाला मेरा एक लिस्ट बना लेता हूं एंड फ्रूट पॉप इक्वल टू जो मेरा रहेगा फ्रूट आइटम डॉट पॉप एंड मैं पोजीशन बताता हूँ कि मेरे को एक नंबर का डिलीट करना है। वन नंबर पोजीशन पर क्या है मेरा, ऑरेंज है एंड मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं दोनों को प्रिंट कर लेता हूँ, सबसे पहले जिसको पॉप किया है उसको अपन ने क्या इसमें डाला है एंड ये वाला आइटम, रन करके देखते हैं तो क्या हुआ है। देखिए मेरा, मैं ऑरेंज को पॉप करना था, यहां से ऑरेंज निकाल लिया है मैंने, बाकी रिमेनिंग एप्पल मैंगो बनाना। तो एकदम आसान है, जैसे अभी मेरा हो गया वन, अभी यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मुझे मैंगो निकालना है तो इसकी पोजीशन में डाल दूंगा टू एंड रन करूंगा, तो यहाँ पे मैंगो निकल जाएगा एंड बाकी के प्रिंट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट रहेगी, आप पर्टिकुलर आइटम को निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, रिमेनिंग फिर से लूप में लेकर रिमेनिंग वालों के साथ आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या पॉप ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या है, आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए मेरे 0 नंबर पे क्या है, 1 पे क्या है। लेकिन अभी क्या करना है मुझे आइटम के बेसिस पे, कि मुझे मैंगो को हटाना है, ऑरेंज को हटाना है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। तो इसको क्या करेंगे अपन, रिमूविंग एन आइटम्स वाई वैल्यू, तो वही सेम इसको हटा देते हैं। तो ये लिस्ट है, इसमें से मुझे पर्टिकुलर आइटम रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या रहेगा मेरा सिंपल, मेरा जो लिस्ट रहेगी एंड रिमूव वर्ड एंड इसके अंदर आपको कौन सा आइटम आपको रिमूव करना है। मैं बोल रहा हूँ मुझे मैंगो करना है, प्रिंट कर लेते हैं, रन। ये देखिए पहले क्या था, एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पे,
जो मेरा लिस्ट थी उसमें से रिमूव कर दिया मैंगो को एंड बाकी प्रिंट कर दी। हो सकता है मुझे एक और हटाना है, तो अब क्या करूँगा मैं, मैंगो की जगह मुझे नहीं, मैंगो नहीं हटाना, मुझे बनाना हटाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बनाना एंड रन। तो अब देखिए आपका मैंगो आ गया, अभी मेरा बनाना नहीं है। ठीक है, अभी क्या हो गया मेरा बनाना, अभी मैं चाहता हूँ कि ठीक है भाई मुझे एक और आइटम हटाना, मुझे एप्पल भी हटाना। तो यहाँ पे क्या हटाया मैंने, बनाना, यहाँ पे एप्पल। रन करके देखते हैं, देखिए क्या हुआ है, पहली लिस्ट में मेरे पास एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना थे, तो मैंने क्या किया, पहले बनाना हटाया यहाँ से, उसके बाद एप्पल हटाया। तो कितने बचे मेरे पास, रिमेनिंग दो बचे हैं, ऑरेंज एंड मैंगो। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट रिमूव। आपके पास यदि आइटम का नेम मालूम है तो आप इस तरह से फ्रूट आइटम डॉट आपका रिमूव एंड आप उसका नाम दे देंगे तो उससे रिमूव। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपको रिमूव करने का। तो कितने थे अपने पास, डेल था, पॉप था एंड डायरेक्टली रिमूव। तो इस तरह से आप कोई सा भी मेथड, आप जब आगे अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस समय पे क्या यूज़ करना है। तो अपन ने क्या अभी ऐड, डिलीट, मॉडिफाई सब देख लिया है। अभी क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट है उसको सॉर्ट करना है, उसके लिए क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं पहले सॉर्टिंग का, इसको हटा देते हैं। अभी सेम लिस्ट है, इसको अपने को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि मेरे को एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। क्या रहेगा आपको, सेम रहेगा आपका लिस्ट, यहाँ पे डॉट सॉर्ट हो जाएगा, सॉर्ट फंक्शन इस तरह से कॉल करेंगे एंड इसको अपन प्रिंट करके देख लेते हैं। तो पहले क्या था मेरे पास, एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना, तो आइडियली क्या होना चाहिए, एप्पल के बाद मेरा बनाना प्रिंट होना चाहिए। रन करके देखते हैं, तो ये देखिए आपका एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना था, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज इस तरह से, ये क्या हो गया आपका, सॉर्ट हो गया। तो इसको ऊपर लिख देते हैं, ये क्या हो गया मेरा, सॉर्ट। ठीक है, यदि आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आपको सॉर्ट करना है, लेकिन आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है कि सबसे पहले मेरा जो सबसे हाईएस्ट ऑरेंज रहेगा उसको प्रिंट कराना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब जो प्रिंट करा रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में करा रहा है। इसको प्रिंट करेंगे, देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ये देखिए सबसे पहले मेरी लिस्ट थी, उसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी एम ओ और उसको रिवर्स ऑर्डर में ओ एम बी ए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम रहेगा फंक्शन, लेकिन उसमें एक पैरामीटर पास हो जाएगा जहाँ पे मैं लिखूंगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। ये तो हो गया मेरा, इसके एलिमेंट को अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यदि इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, मतलब मेरे पास एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना है, तो मेरे को पहले मैंगो बनाना प्रिंट हो, फिर मैंगो, और मतलब उसके अंदर के जो आइटम है वो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पीछे की ओर से आगे की ओर प्रिंट हो, तो उसके लिए क्या होता है, इसको अपन कमेंट कर देते हैं। सेम अपन यहाँ पे मेरी लिस्ट बना लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, प्रिंटिंग लिस्ट रिवर्स ऑर्डर। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, रिवर्स क्या होगा आपका, ये जो लिस्ट है यहाँ पे डॉट आप लिख देंगे डायरेक्ट रिवर्स, यहाँ पे एंड इसको प्रिंट कराएंगे रन। ये देखिए क्या हो गया, जो सबसे लास्ट में था वो पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद मैंगो था, मैंगो यहाँ पे, फिर ऑरेंज एंड एप्पल, मतलब जस्ट रिवर्स ऑर्डर में सबसे लास्ट वाला आइटम सबसे पहले प्रिंट हो गया। ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, ये याद रखिएगा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। ये वाला जो प्रिंट करते हैं अपन शॉर्ट, ये वाला, इसमें क्या कर रहा है अपन, जो आइटम है उनको पहले अरेंज कर रहे हो अल्फाबेटिकल में, और जो लास्ट वाला है उसको पहले प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए इसको रन करके देख लेते हैं, ये देखिए इसमें क्या कर रहे थे अपन, एप्पल ऑरेंज मैंगो बनाना, तो सबसे पहले इसमें अपन ने क्या किया, उल्टा किया, बनाना मैंगो ऑरेंज एप्पल एंड जो शॉर्ट करके उसको रिवर्स किया है, मतलब पहले अपन ने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी एम ओ में लगाया, फिर उसको रिवर्स प्रिंट किया है, ऑरेंज सबसे पहले, मैंगो बनाना, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपन ने लिस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉपर्टी देखी है, काफ़ी अब कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं एंड इसको अपन काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, आपकी जो बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग होगी उसमें अपन इसको काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। तो इसको आप टाइम दीजिए और काफ़ी प्रैक्टिस करिए। मैं ये जो मेरा कोड है मैं इसको भी वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप ये भी देख सकते हैं। अब जो आगे आने वाला वीडियो है जहाँ पर अपन मल्टीपल इस तरह के ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या था अपना सेट, टपल और डिक्शनरी, उनको भी कवर करेंगे एंड उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे अपन इनको कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस है और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय। बाय।